रेस की मात्रा, मुर्गा, बर्फ, सूर्य, पर्वत, दर्पण, सर्प। बोलकर पढ़िए। शर्म, चर्म, नर्म, गर्म, बर्फ, अर्पण, दर्पण, गर्जन, घर्षण, अर्जुन, आर्य, कार्य, आचार्य, शाप, पाप, पर्व, गर्व, मर्म, सर्प, करम, मर्दन, बर्तन, अर्चन, गर्दन, माच। ध्यानपूर्वक पढ़िए। निर्मल उठ, सूर्य को जल अर्पण कर, धर्म कर्म की बात कर, गर्मी में मत तप, मूर्ति के दर्शन कर, हर्ष से पर्व मना, माता पिता का आशीर्वाद ले। कर्मठ किसान। रामनाथ एक कर्मठ किसान है। वह सदैव सूर्य के उगने से पहले ही उठ जाता है। गर्मी, सर्दी और वर्षा तीनों ऋतुओं में उसका यही नियम है। गर्मी की ऋतु में वह बर्फ का शीतल दूध पीता है, सर्दी में वह गर्म चाय पीता है। वह सदैव मन लगाकर कार्य करता है, वह कर्म में विश्वास रखता है, वह खेत में कठिन कार्य करता है, वह अपने पशुओं को ठीक ढंग से रखता है, वह पशुओं को हरा चारा खिलाता है, वह सभी जरूरी कार्यों को समय पर करता है, वह निर्धन की सेवा करता है। यही धर्म है। हमें धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटना चाहिए।